बखमुत में पलटी बाजी, रूस पर यूक्रेन हावी। पहला सबूत, जान की भीख मांगता रूसी सैनिक। दूसरा सबूत, रूस का रॉकेट लॉन्चर सिस्टम तबाह। तीसरा सबूत, रूसी सैनिकों को यूक्रेन ने बंधक बनाया। Вот эти вот хлопчики предприняли попытку контрнаступа на позиции Донецкой Народной Республики. Вы видите, что с ними произошло. चौथा सबूत, बाखमुत में यूक्रेन के ताबड़तोड़ अटैक। पांचवा सबूत, रूस के पंतसीर मिसाइल सिस्टम को तहस नहस किया। और इन तमाम सबूतों पर मोहर लगाता वैगनर ग्रुप के चीफ प्रिगोजिन का ताजा बयान, जो बता रहे हैं कि रूस बाखमुत में किस कदर पिछड़ रहा है, यूक्रेन हावी हो रहा है और रूस वैगनर ग्रुप को बाखमुत में बेसहारा छोड़ चुका है। हालात इस कदर बदतर होते जा रहे हैं कि जिस बाखमुत पर रूस फ्रंटफुट पर था, आज वहां से रूसी सैनिक भागने को मजबूर है। जो रुक कर यूक्रेनी सैनिकों से जंग लड़ रहे हैं, उन्हें भी धीरे धीरे पीछे की तरफ खदेड़ा जा रहा है। यूक्रेन चुन चुन कर रूसी सैनिकों पर हमला कर रहा है, यहां तक कि रूसी सैन्य अड्डों को निशाना बनाने से भी यूक्रेन हिचक नहीं रहा। बखमुत पर यूक्रेन हमलावर हो चुका है, जिसके निशाने पर है रूसी सैनिक और वैगनर ग्रुप के लड़ाके। वीडियो में दिख रहे ये रशियन ड्यूमा के सदस्य विक्टर वोडोलत्स्की है, जो लुहांस्क में रूस के मिसाइल अटैक में बाल बाल बचे, बड़े मुश्किल से इनकी जान बच सकी। ये तमाम हमले बता रहे हैं कि बाखमुत में यूक्रेन किस कदर रूसी सेना पर भारी पड़ रहा है, जबकि कुछ दिन पहले तक रूस बाखमुत के काफी हिस्से पर कब्जा कर चुका था, जिसमें वैगनर ग्रुप के लड़ाकों ने काफी मदद की थी। खासतौर से उत्तरी बाखमुत में तो रूस ने पूरा कब्जा जमा लिया था, लेकिन अब वहीं से रूस को खदेड़ा जा रहा है। एक दिन पहले ही बाखमुत के ओलंपिक स्कूल पर वैगनर फोर्सेस ने कब्जा किया था। दो हफ्ते की जंग में ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई थी, लेकिन अभी एक भी दिन नहीं बीता है और यूक्रेनी फोर्स ने इतने हमले किए हैं कि वहां से वैगनर लड़ाके किसी भी वक्त पीछे हट सकते हैं। इसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के पास हथियार खत्म हो रहे हैं और रूस की तरफ से अभी हथियार सप्लाई भी नहीं किए जा रहे। ग्राफिक्स के जरिए समझिए, बाखमुत के नक्शे में जो नीली लाइन आपको दिख रही है, उन इलाकों पर रूसी सेना और वैगनर लड़ाकों का कब्जा है, लेकिन अब यहाँ पर यूक्रेन के सैनिक आगे बढ़ रहे हैं। नक्शे में जो रेड लाइन दिख रही है, वहाँ यूक्रेनी सैनिकों का कब्जा है, यानी यहाँ से रूसी सैनिकों को खदेड़ा जा चुका है। रूस को सबसे ज्यादा नुकसान नॉर्थ बाखमुत में हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वैगनर ग्रुप का कमजोर पड़ना, क्योंकि उससे हथियार और रसद दोनों ही नहीं मिल रहे। ऐसे में वैगनर लड़ाके जंग लड़ने को तैयार नहीं है। इसके अलावा रूस में वैगनर चीफ ने इस बात को लेकर नाराजगी भी जाहिर की है, प्रिगोजिन ने ऐलान भी कर दिया है। रूस की गलती से बखमुत फिर से यूक्रेन के कब्जे में आने वाला है, और इतना ही नहीं, अब तो प्रिगोजिन ने भी बता दिया है कि बखमुत में हालात कितने गंभीर हैं। अगर बखमुत पर रूस इसी तरह का रवैया अपनाता रहा तो बखमुत यूक्रेन की जीत का रूट बन सकता है। हालांकि वैगनर चीफ हथियार नहीं मिलने की बात पहले भी कहते रहे हैं, जबकि रूसी सैनिकों ने वहां पहुंचकर हालात को संभाल लिया था, लेकिन अभी भी स्थिति रूस के लिए काफी खतरनाक होती जा रही है। इस बार ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बाखमुत में रूस की स्थिति को साफ साफ बताया गया है कि पिछले चार दिनों में रूस की मोटर राइफल ब्रिगेड को पीछे हटना पड़ा है। जिस पोजीशन पर रूसी सैनिक जमे थे, वो वहां से पश्चिम दिशा की तरफ खदेड़ दिए गए। ऐसा इसलिए भी हुआ है क्योंकि क्रेमलिन की तरफ से हथियार नहीं पहुँचाए जा रहे।
ये स्थिति यूक्रेन के लिए इसलिए अच्छी मानी जा सकती है क्योंकि डोनेट्स्क डॉनबास कैनाल को यूक्रेनी सैनिक पार कर जाएंगे जो बाखमुत के 1 किलोमीटर अंदर की तरफ पड़ती है। इस बारे में रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने भी माना है कि बाखमुत के कुछ इलाकों से रशियन ट्रूप पीछे हटे हैं। इस मैप के जरिए समझिए रूस के सैनिक कितने पीछे हट चुके हैं। बाखमुत बॉर्डर से पिछले 3 दिनों में यूक्रेन की आर्म फोर्स करीब 10 से 17 किलोमीटर अंदर घुस चुकी है और उन तमाम इलाकों से रूसी सैनिकों के साथ वैगनर लड़ाके भी पीछे हट गए हैं। यानी जिन इलाकों पर कब्जा करने में रूस को 6 महीने से ज्यादा का वक्त लग गया वहां यूक्रेन ने पिछले 4 दिनों में ही बढ़त बना ली। हालांकि अभी तक बाखमुत के अधिकतर हिस्सों पर रूस का ही कब्जा है लेकिन जिस तरह से वैगनर ग्रुप ने विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं उससे साफ है कहीं ना कहीं क्रेमलिन में कुछ ऐसा चल रहा है जो पुतिन के लिए खतरे की घंटी है। वैसे भी वैगनर के चीफ ने साफ साफ इशारा दिया है अगर हालात ऐसे ही रहे तो रूस में सिविल वॉर की स्थिति बन सकती है क्योंकि वैगनर को हथियार ना पहुंचाने का फैसला क्रेमलिन के अधिकारी इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि वहां जंग को लेकर आपस में मतभेद काफी आगे बढ़ चुका है। ऐसे में इस संकट से निपटने के लिए अगर पुतिन का फोकस शिफ्ट हुआ तो बाखमुत हाथ से जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।